होनी चाहिए क्लास में, ठीक है? बहुत प्यारे मेथड्स भी कराऊंगी. 1, 2 टिक टिक. 3. पहला देसी सवाल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ प्लांट विद जीनोटाइप पीपी क्यू क्यू आर आर एस एस. द ऑप्शंस आर 4, 6, 8, 2. राइट इन द चैट बॉक्स जो आपको लगता है आंसर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. मैं देखना चाहती हूँ आपकी तैयारी कैसी है. यस एवरीबडी, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, एवरीबडी कितने टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे. देखो मुझे ना बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे बिल्कुल आंसर ठीक भी दे रहे हैं. यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ठीक नहीं दे रहे हैं. या मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर. चलो गाइज अब मैं आंसर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? ये पहला सवाल मोस्ट ईजी क्वेश्चन था आज के सेशन का. पहला सवाल इजी था, ठीक है? जिससे कि आपका मोरल बूस्ट हो जाए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसका काम भी आ रहा है, ठीक है? सो गाइज इसकी एक ट्रिक बताती हूँ. सबसे पहले आंसर इज डी का 2, ठीक है? दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे. और अब जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं एक फॉर्मूला बता दूं. नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स इक्वल्स टू 2^n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है? ये है इसका फॉर्मूला. तो जब भी ये वाला पूरा ऐसा सिस्टम आएगा तो ये क्या है, ये क्या है होमोजाइगस, ये क्या है होमोजाइगस, ये है हेट्रोजाइगस, ये है होमोजाइगस. तो हेट्रोजाइगस कितने हुए, 1. हेट्रोजाइगस कितने हुए, 1. सो 2^1, तो टाइप ऑफ गैमीट्स हो गए 2. टाइप ऑफ गैमीट्स कितने हो गए, 2, ठीक है? अब बेटा मैं आपको टाइप ऑफ गैमीट्स बनाना सिखा रही हूँ. ये तो था कि क्वेश्चन आया कि कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे. मान लो क्वेश्चन आ गया कि कौन से टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे, तब आप कैसे इसे क्विकली सॉल्व करें, ठीक है? तो नोटबुक्स तैयार है, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ फोक लाइन मेथड, फोक लाइन मेथड. सब अपनी नोटबुक्स में मेरे साथ साथ बनाएंगे, जिससे कि हम साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें. ये आपकी मेजर ट्रिक है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, फोक लाइन मेथड, ठीक है? अब देखो फोक लाइन मेथड में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे गैमीट्स बना रहे हैं कि कौन कौन से गैमीट्स बनेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है? सबसे पहले पी एंड पी होमोजाइगस है, डोमिनेंट है दोनों, ठीक है? तो यानी कि अगर ये एक गैमीट में जाएगा दूसरे में जाएगा तो दोनों में क्या जाएगा, पी और पी, सही बात है, ठीक है? तो हमने बनाया सबसे पहले पी, ठीक है? एक गैमीट बना रहे हैं हम, पी गया. अब क्यू एंड क्यू दोनों में क्या जाएगा, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, दो गैमीट में ये गया, ठीक है? फिर उसके बाद आर एंड आर, इसके पास गया आर, इसके पास भी गया आर, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस लेकर बनाती हूँ, रुको, थोड़ा सा खुला खुला बनाते हैं इसको, जिससे कि तुम लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो. फिर से बना रहे हैं, देखो पी एंड पी, सबसे पहले देखो एक पी एक पी, ये पहला गैमीट, ये दूसरा गैमीट, ठीक है? इसके पास भी क्यू जाएगा, इसके पास भी क्यू जाएगा, ठीक है? अब देखो इसके पास आर और आर, यहां पे देखो दो चीजें बन सकती है, आर और आर, ठीक है? और इस गैमीट के पास भी एस मिलेगा, यहां पे भी एस आएगा. तो टाइप ऑफ गैमीट जो बना वो क्या हुआ, पी क्यू आर एस, पी क्यू, P Q R S, जबकि इस वाले का गैमीट का स्ट्रक्चर क्या बना, P Q R S. समझ में आया? ये दो टाइप के गैमीट बनेंगे जिसमें सिंगल कॉपी होगा, जिसमें सिंगल कॉपी होगा. बेटा आपको समझ में आ रहा है फोक लाइन मेथड, प्लीज येस और नो इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं वापस समझा दूंगी. बट अगर तुमने मेथड सीख लिया, आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस टॉपिक. आज के बाद तुम्हें एक भी डाउट नहीं आने वाला किसी भी क्वेश्चन में, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ठीक है? देखो ये फोक लाइन मेथड था गैमीट बनाने का. ये जो पी है दोनों गैमीट्स के पास एक ही सेम टाइप ऑफ पी जाएगा, क्यू भी दोनों के पास क्यू ही जाएगा, कैपिटल क्यू. बट उसके बाद यहाँ पे देखो ये हेट्रोजाइगस है,
तो यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बन जाएंगे इससे, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाला, ठीक है। फिर देखो दोनों के पास एस और एस जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हेट्रोजाइगस आएगा फोक को स्प्लिट कर दो, जैसे ही हेट्रोजाइगस आएगा फोक को स्प्लिट करना है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी चीज पे, तो जस्ट स्टे रिलैक्स, बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये टाइप ऑफ गैमीट बना विथ सिंगल कॉपी ऑफ एलील, यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ गैमीट बना विथ सिंगल टाइप ऑफ एलील, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बने, दो, तो 2^n, n कितना था 1, टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बने थे 2, और वो दो टाइप ऑफ गैमीट्स भी ये और ये हैं। क्लियर एवरीबॉडी, सुपर डुपर क्लियर, सबको क्लियर है, खुशी, खुशी दोषी, पूजा, सौम्या, राइट, हाउ इज द जोश गाइस, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूं तुम लोग को, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स टुडे ओनली, फोक लाइन मेथड डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो इतना इजी पीजी नहीं होगा, आंसर इज 2, एब्सोल्यूटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ जायगोट विद जीनोटाइप दिस इफ अ क्रॉस मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स हुज जीनोटाइप्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जायगोट में ये बना है, ठीक है, जबकि पेरेंट्स के जो गैमीट्स थे उसमें ये और ये था, राइट। अब बताओ आंसर क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की, कम ऑन गाइज, राइट इन द चैट बॉक्स। देखो ध्यान से सुनो गाइज, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग समझो पहले क्वेश्चन को, समझो पहले क्वेश्चन को, ठीक है। इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स हुज जीनोटाइप्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इंडिविजुअल्स को जब हमने क्रॉस किया तो इंडिविजुअल एक ये था और एक ये था, पहले इसके गैमीट बनाते हैं, यहां पे आया ए, यहां पे आया बी और बी, यहां आया सी, यहां भी आया सी, यहां पे भी आया डी, यहां पे भी आया डी, तो दो टाइप के गैमीट्स बने यहां पे, ए बी सी डी, अच्छा ये स्मॉल वाला है, ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी, दो टाइप के गैमीट्स बने हैं, ठीक है। इसके कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, सिर्फ एक टाइप का गैमीट बनेगा इसका, क्योंकि यहां पे सारा क्या है होमोजाइगस फॉर्म में है, सिर्फ एक टाइप का गैमीट बनेगा इस इंडिविजुअल का, दैट इज ए बी सी एंड डी, तो ये हो गए एक इंडिविजुअल का गैमीट, और यहां पे बन रहे टू टाइप ऑफ गैमीट, राइट, यहां पे दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे, ये वाला भी इससे फर्टिलाइज कर सकता है, ये वाला भी इसे फर्टिलाइज कर सकता है, तो व्हाट इज योर आंसर नाउ, अगर इस वाले ने इसको फर्टिलाइज किया तो क्या आपका इंडिविजुअल आया, क्या ये इंडिविजुअल आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल। तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाफ इज अ प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाफ, ठीक है गाइस। फिर से समझ आ रहा है, नहीं समझ में आया मैं वापस बताती हूं, डोंट वरी, मैं तुमसे यही कह रही हूं, पहले फोक लाइन मेथड पे सीखो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पहले आप सबने क्या आंसर दिया, सी सी सी, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से सीखेंगे, नो टेंशन, ठीक है, नो टेंशन। अब देखो यहां पे वापस, यहां पे दो इंडिविजुअल्स थे, लेट से ये मदर है, ये फादर है, फादर का गैमीट सिर्फ इसी टाइप का बन सकता है, क्योंकि यहां सारा होमोजाइगस फॉर्म में है, सिर्फ वन टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे। शिवम भानुशाली प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है, यहां पे सिर्फ वन टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे सारे, ठीक है, बट यहां पे अगर देखें तो यहां पे एक हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, तो यहां पे टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, दो, ठीक है। फोक लाइन मेथड से 2 सेकेंड के अंदर मैंने दोनों टाइप के गैमीट्स भी बना लिए। अब ये वाला जो मदर का गैमीट है वो फादर के गैमीट से फर्टिलाइज करेगा हाफ प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि यहां पे सिर्फ दो
टाइप ऑफ गेमीट्स है, ये वाला भी फर्टिलाइज कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये कितना होगा, हाफ प्रोबेबिलिटी। तो आंसर होगा आपका 1/2, आंसर क्या होगा 1/2। समझ में आ रहा है, एवरी वन इज गेटिंग इट। बेटा देखो ये सारे क्वेश्चन लगते बहुत बड़े हैं, बट मैं बता रही हूँ सब हलवा सवाल होते हैं जेनेटिक्स के। अभी थर्ड क्वेश्चन भी है, इसी टाइप पे एक तीसरा क्वेश्चन भी है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से समझेंगे। मैम यहीं पे खड़ी है, मैम नहीं भाग रही कहीं पे भी, ठीक है। बट उससे पहले एक लाइक करो वीडियो को, एक बार लाइक कर दो वीडियो को, समझ आ गया तो लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिख दो चैट बॉक्स में, यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार लिख दो चैट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर हम चलते हैं, इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें एवरीवन। बेटा देखो जो लेट ज्वाइन करेगा सेशन को, ऑफ कोर्स वो कैसे समझेगा इन द मिडल ऑफ द सेशन। आपको 11:00 डॉट आना, आपको पता है मैम क्लास शुरू कर देती है, ठीक है। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट सबने लिया, आंसर कैसे निकालना है सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देखो 1/2 है, आंसर इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर सिद्धार्थ इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरट्राइकोसिस एंड फिनाइल कीटोनूरिया, हिज फादर इज हेटरोजाइगस फॉर फिनाइल कीटोनूरिया। मैं बता दूं सबको, फिनाइल कीटोनूरिया इज होमोजाइगस रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट, यही होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिद्धार्थ स्पर्म हैविंग वन रिसेसिव ऑटोसोमल एलील एंड होलेंड्रिक जीन इज हाउ मच। साउंड आ रहा है बेटा, आर यू एबल टू हियर मी, आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन, प्लीज टेल मी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अगर किसी ने तुक्का मारा ना, यहीं से पिटाई करूंगी। चार में व्हाट्स योर आंसर, व्हाट्स योर आंसर, चार में। सौम्यदीप ने कहा ए, ओके ओके, खुशी कह रही है बी, गुड खुशी गुड। शिवांगी ने कहा ए, सार्थक ने कहा डी, विनीत ने कहा बी, वेरी गुड अमित, वेरी गुड, आंसर इन द चैट बॉक्स। विनीत ने कहा बी, वेरी गुड, एवरी वन इज गेटिंग नाउ द राइट आंसर। बट एक बच्चे ने बीच में लिखा कांट प्रिडिक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन को समझो, लेट्स मेक दिस क्वेश्चन हलवा अगेन। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, जब जी स्क्वायर तुम्हारे साथ है। सबसे पहले मिस्टर सिद्धार्थ इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस होता क्या है, हाइपर माने ज्यादा, ट्राइकोसिस मतलब बाल, यानी कि बाला का ऑपोजिट। यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल होंगे स्किन पे, एंड दिस इज एक्स लिंक डोमिनेंट, एंड ही एट द सेम टाइम ही इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनूरिया, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके। हिज फादर इज हेटरोजाइगस फॉर फिनाइल कीटोनूरिया, यानी उसके पापा को फिनाइल कीटोनूरिया नहीं था और वो हेटरोजाइगस है, तो पापा हुए ए और ए, ठीक है। जबकि मम्मा क्या हो सकती है, मम्मा हो सकती है ए और ए या ए और ए, ठीक है। तो अब जो सिद्धार्थ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिद्धार्थ स्पर्म, अब सिद्धार्थ क्या बेटा, व्हाट इज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनूरिया, मतलब कि वो होगा ए और ए होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ए और ए मतलब होमोजाइगस रिसेसिव। अब जब इसका स्पर्म बनेगा तो एक कॉपी जाएगी ए गैमेट में, दूसरी कॉपी जाएगी दूसरे गैमेट में, तो चांसेस ऑफ रिसीविंग वन ए विल बी हाफ, 1/8, 1/4 और 1/3। टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। आज क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं, आज पढ़ने का मन नहीं है, बताओ बताओ, जैसे तुम लोग बोलोगे, पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा आज। महिमा हाँ, आज मंडे मॉर्निंग है तो सोच के आए कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ ऐसा। मैं बता रही हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, और आज जिसने ये पूरी क्लास ढंग से पढ़ ली वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, हाउ इज द जोश गाइस, कहीं पे भी दिक्कत हो रही है प्लीज लिख दो,
डिफिकल्ट तो लगेगा यार, नीट का पेपर करने जा रहे हैं हम, हलवा थोड़ी करने जा रहे हैं हम। सबसे पहली चीज देखो, जो पापा था सिद्धार्थ का, वो है हेट्रोजाइगस, ठीक है। और सिद्धार्थ जो है लड़का, वो तो फिनाइल कीटोनूरिया उसको है ही, तो यानी है ये सिद्धार्थ, तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अब जब इसके गैमेट बनेंगे तो ए इधर ए इधर, तो गैमेट में स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हाफ। कितनी हुई? हाफ, ठीक है बेटा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली टुडे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, ये आपको खुद को करना होगा। डन, हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, सुपर हाई। चलो थोड़ा सा चिलपिल कर देते हैं एनवायरमेंट, मुझे लग रहा है कि आज थोड़े से ऐसे बम पे बम पे बम गिर रहे हैं तुम पे, है ना भाई, कैसा है जोश, कैसा है, ठीक है। चलो आज एक बार फोक लाइन मेथड फिर से सिखाऊं, तुम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, लिखो चैट बॉक्स में फोक लाइन मेथड, क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे वापस? यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस फोक लाइन मेथड अगेन, दैट हाउ टू मेक गैमेट्स, बताओ बताओ बताओ। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। शुड आई टेल यू वंस मोर? चलो ठीक है, फोक लाइन मेथड सब बच्चा लोग मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है, सब बनाएंगे मेरे साथ, चलो कोई घबराने की बात नहीं बेटा। अब यहां पे मैं एक इंडिविजुअल का जीन कॉम्बिनेशन ले रही हूं, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई। सबसे पहले जब ये कॉम्बिनेशन आया बच्चा लोग, तो सबसे पहले 2^n निकालेंगे, n यहां पे है 5, 2^4, 4^8, 8^16, 16^32। थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया वरना बनाते बनाते थक जाएंगे, है ना, 2^4 ले लेते हैं। इतने गैमेट्स हमें मिलेंगे। अब सब देखो इधर, फोक लाइन मेथड बनाना कैसे है, ये क्या हेट्रोजाइगस है, पहले लिखो ए और ए, लिखा। अब देखो ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ए वाला इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो बी बी यहां पे बी बी, ठीक है। अब ये इसके साथ भी इक्वल प्रोबेबिलिटी में जा सकता है, तो सी 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 सी, यहां पे भी सी 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 और सी, ठीक है। अब ये आगे इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ डी के साथ भी जा सकता है, तो डी और डी। तो अब पूरे गैमेट का नाम क्या हुआ, देखो पूरा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल सी एंड डी, इसका क्या होगा, ए बी सी एंड डी बना गैमेट। ऐसे ही बनाते जाओ पूरा फोक लाइन मेथड, राइट गाइस। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यस मंजुनाथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही, आई एम मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस इन योर फोन स्क्रीन, कम ऑन क्विक गाइस, क्विक क्विक क्विक। अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर द 3 लोसाई एंड हेट्रोजाइगस फॉर 2 लोसाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, जस्ट नीड टू बी फोकस्ड। मुस्कान फटाफट से टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर। हेट्रोजाइगस फॉर 2 लोसाई, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। हम सेम सवाल कर रहे हैं बट चार डिफरेंट फॉर्म में किया बच्चा, बस हमने। अब तुम्हें नीट कैसे भी घुमा दे, आई एम गिविंग यू दिस गारंटी कि इसके अलावा वो किसी फॉर्म में तुम्हें नहीं घुमा सकता। यस, सब आंसर क्या दे रहे हैं, डी, इज इट डी? चलो लेट मी चेक, आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स बिकॉज दिस टाइम इन्होंने खुद ने आंसर दिया चैट बॉक्स में सारा समझ के, एब्सोल्युटली स्टनिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो लेट मी टेल यू होमोजाइगस फॉर 3 लोसाई, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, बट मुझे हेट्रोजाइगस से लेना देना है क्योंकि मुझे गैमेट्स के बारे में बताना है। तो पहला हिंट, जब भी गैमेट को रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पहला हिंट, ढूंढो हेट्रोजाइगस को,
पहला हिंट, ढूंढो हेटरोजाइगस को. जैसे ही नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पता लग जाए, पुट इट इन योर फॉर्मूला, 2^n. तो यहां पे हेटरोजाइगस फॉर 2 लोसाई है, ठीक है. सो 2^2, 2^2 = 4. कितने टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे? 4. तो आंसर आएगा डी. आंसर क्या आएगा? डी. आंसर क्या आएगा? डी. ठीक है बेटा, सब ध्यान से सुनेंगे. जब भी गेमीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, किसको ढूंढोगे? लिखो चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में. अभी जब भी गेमीट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मेरी आंखें किसको ढूंढेगी? लिखो चैट बॉक्स में, आज ही याद करवा के भेजूंगी तुम्हें. बिल्कुल आज ही, बिल्कुल अपने जहन में डाल के जाओगे आज एक एक चीज क्लास की. हाँ जी, जब भी गेमीट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं कोई बकवास नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ पढ़ूंगी क्या? मेरा इंपॉर्टेंट शब्द जिसका नाम है हेटरोजाइगस, ठीक है. बिल्कुल, अगर होमोजाइगस लिखा है तो मेरी आंखें इसको नहीं देखेंगी. यहां पे 2 लिखा था तो अब मेरे को फॉर्मूला यूज करना है, 2^n, 2^2 = 4. खत्म बात. सिर्फ 10 सेकंड में भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया. इट टुक मी 5 seconds. दैट्स इट. टाइम बचाओगे तभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओगे, तभी तो रैंक बनाओगे. क्या बायो में पूरे 1.5 घंटा निकाल देंगे क्या? हम ये सोच के जा रहे हैं हम नीट के पेपर में कि 1.5 घंटा मैं बायो में लगाऊंगा? नो. एक टॉपर, आई नो, मैंने बहुत टॉपर्स पढ़ाए हैं, अभी रिसेंटली प्रोड्यूस हुए हैं यार. मेरे को पता है कि एक टॉपर 45 से 50 मिनट खर्च करता है पूरी बायो पे. इसके लिए ना आपको चाहिए ट्रिक्स, राइट? एब्सोल्युटली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज सुपर क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, 4 इज द आंसर. शाबाश शाबाश मेरे हीरो, शाबाश शाबाश. चलो नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया, यानी हेटरोजाइगस है, then what are the chances of pregnancy resulting in affected child? Another halwa question. फटाफट से आंसर बताओ मुझे इसका. अनीशा ने सबसे पहला करेक्ट आंसर दिया यार. अनीशा लव यू बेटा. अनीशा पूरा ध्यान से सुन रही है, इससे मुझे ये पता लग रहा है. बाकी सबके सब गधे हैं, सच्ची बता रही हूं. इतना गुस्सा आ रहा है मुझे बाकी सब पे. अरे मेरे हीरो, अफेक्टेड का मतलब क्या है भाई? डिजीज है कंप्लीटली, वरना इसकी जगह कैरियर नहीं लिखा होता मदर पेरेंट की तरह. हाँ, अब देखो कैसे आंसर बदलते हो तुम लोग. देखो जरा, यही चीज सिखाने के लिए तुम्हें लेकर आई हूं ये सवाल सारे. अगर यहां पे कैरियर लिखा है तो उसका कोई मतलब है ना, हेटरोजाइगस फॉर्म में है. यहां अफेक्टेड लिखा है तो मतलब इसका भी कोई मतलब है, होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है. क्या हो गया? चलो देखो इधर, HBS HBA, यही होता है हेटरोजाइगस, ठीक है. अभी देखो दोनों पेरेंट्स क्या है, कैरियर है, तो दोनों का जीनोटाइप यही बनेगा. अब इसका क्रॉस भी मैं बनाना सिखाऊं, चलो सिखाती हूं तुम्हें, क्योंकि आज तुम ज्यादा ही दिमाग लगाते हो. मंडे मॉर्निंग को इतना दिमाग लगा लिया आज तुमने कि मैम हो गई है बेहोश. चलो देखो इधर, HBS HBS हो गया अफेक्टेड, HBS HBA ये हो गया कैरियर, ये भी हो गया HBA HBS कैरियर, ये हो गया नॉर्मल. अफेक्टेड कितना है? 25%. कौन बोला था 50%? बस लिख लो अपना नाम, लिखो सच्चा चैट बॉक्स में, सब लिखो अपना नाम चैट बॉक्स में. कौन कौन गलत बोला था सच्ची लिखो तुम चैट बॉक्स में. हाँ जी, देखो फिजान ने एडमिट किया है. फिजान देख, मैं तेरे को सच में तालियां देती हूँ, क्योंकि बेटा जो बच्चा अपनी गलती मानता है ना, वो छोटा नहीं, वो सबसे बड़ा बच्चा मेरे लिए. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. जो बच्चा अपनी गलती मान रहा है ना चैट बॉक्स में, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. पता है क्यों? क्योंकि आज तुम गलती मानोगे ना तो तुम नीट में कभी ये गलती नहीं करोगे. आज मैं गलती मानूंगा तभी तो नीट में सुधरूंगा, है ना भाई?
है ना। आज अगर मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो नेक्स्ट टाइम वो गलती मैं नहीं करूंगा, बट अगर मैंने आज भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की तो मैं पक्का वो गलती वापस करूंगा। तो वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। आप समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? हलवा क्वेश्चन में भी तुमने कितना टाइम लगाया? ऑलमोस्ट 2 मिनट लगा दिए, जबकि 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। जैसे ही शब्द कैरियर आया मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए था? हेट्रोजाइगस। क्या चलना चाहिए था? हेट्रोजाइगस। अफेक्टेड चाइल्ड मतलब होमोजाइगस। तो अगर ये स्क्वायर बनाते हैं तो क्या होता है? 1:2:1 रेशो आता है जीनोटाइप का। वेरी गुड। तो बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टेल मी, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चले चले बेटा। जो बच्चे मेरे से सॉरी मांग रहे हैं या अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपको सच में बता दूं, एक एक बच्चा आज मेरा दिल छू के जा रहा है, क्योंकि ना तुम सच में यार मेरा दिल जीत लेते हो इन सब चीज़ों से। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी रुलाओगे क्या यार? अभी रुलाओगे क्या? है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट, हाउ इज द जोश? नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स प्रॉब्लम। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे वाला सवाल फोड़ देंगे। यस yes, चलो। The answer is 25%. And here comes the next question. इसके लिए मैं बता रही हूँ क्या ट्रिक तुम्हें देने वाली हूँ यार, सुपर ट्रिक। The pea plant heterozygous for round seed shape and yellow seed flower. दोनों dominant है. Were selected and total 800 seeds are collected. What is the total number of seeds with both recessive trait? बस तुम्हें पुनेट स्क्वायर याद करना है जो NCERT में लिखा है, और उसका फीनोटिपिक रेशो लिखो। इधर लिखो फीनोटिपिक रेशो, लिखो फीनोटिपिक रेशो, फटाफट से लिखो फीनोटिपिक रेशो। देखो अब आंसर क्या आ रहा है। हाँ, नमन मंगला, दैट्स माय बॉय नमन मंगला, दैट्स माय बॉय। ऑसम सार्थक डोंगरे, दैट्स माय बॉय, ऑसम। देन वी हैव नीतू, ऑसम। एकाग्र ग्रोवर, ऑसम। देन प्रियंका, ऑसम। खुशी, सब कहाँ है भाई? बाकी सब आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? उज्जवल, वेरी गुड। अब आते हैं ट्रिक टू सॉल्व। सबसे पहले मैं आंसर बताती हूँ, इसका है 50। आंसर क्या है? 50। अब मैं तुम्हें धमाकेदार ट्रिक बताती हूँ, सिर्फ 5 सेकेंड। क्वेश्चन हलवा, गाजर का हलवा, सच में। चलो देखो इधर एवरीवन, टोटल कितने हैं? 800। टोटल कितने हैं? 800, राइट। टोटल नंबर ऑफ फीनोटाइप कितने होते हैं? 9:3:3:1, यही रेशियो होता है, यही रेशियो होता है। टोटल हो गया 16, राइट। अब ये देखो, ये हो गया 100, ये हो गया 2, ये हो गया 50 इंडिविजुअल्स। 16 टाइप ऑफ फीनोटाइप में 50 इंडिविजुअल है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे होमोजाइगस रिसेसिव निकालना है तो 50:1, 50 इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव। इस वाले फीनोटाइप का निकालना है 50:3, 150। इसका निकालना है 50:3, 150। 9:50, 450 आ गया, 800। टोटल काउंट करो, 800 आ गया, आ गया बिल्कुल 800, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो क्या सॉल्व किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो यहां पे पहला मैं तुम्हें बताती हूं हिंट क्या है। राउंड सीड्स एंड येलो सीड, राउंड सीड एंड येलो सीड। तुम्हें पता है कि ये पुनेट स्क्वायर बनाया था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फीनोटिपिक रेशो होता है वो होता है 9:3:1, ठीक है। टोटल इंडिविजुअल 800 थे, डिवाइड करो 16 से, 50 आ गए। अब 50:1, 50:3, 50:3, 9:50, टोटल देखो तो 800, टोटल देखो तो 800। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हलवा बनाया, कितनी देर लगी सॉल्व करने में? सिर्फ 10 सेकंड से भी कम, 10 सेकंड से कम लगा, राइट। प्रभात प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या है? बी, यानी 50। अमेजिंग, डन, ऑसम, एवरीवन, डन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हाउज द जोश. यस, हाउज द जोश इन द चैट बॉक्स. हाउज द जोश इन द चैट बॉक्स. म्युनिसिपल काउंसिल आदमपुर. अरे ये तो मेंटी में भी आता था. नो, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा देखो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, दीज क्वेश्चंस आर समथिंग विच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. दीज आर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन विच आर अंडर जी स्क्वायर गाइडेंस. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय मी. तो कहाँ से लाओगे? कहीं से नहीं ला सकते क्योंकि क्वेश्चन खुद ने बनाया है भाई. ठीक है, यस. सो दीज क्वेश्चंस आर सुपर डुपर ऑसम. अगर तुमने आज का सेशन प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम गारंटिंग यू दिस कि आपका जेनेटिक्स का हर सवाल आपको 4 नंबर दिला के जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही. दीज आर जी स्क्वायर क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 50 इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर फोन स्क्रीन्स. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा. इफ अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर पी प्लांट. वायलेट इज हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, क्या है ये पता लगाओ. वाइट फ्लावर पी प्लांट ये रिसेसिव होता है, तो ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? अभी लिखो इसके ऊपर, सवाल के ऊपर ही लिख डालो. Produces 50% offspring with dominant character and 50% offspring with recessive character. The genotype of parents are. Just 2 second trick I will tell you. 2 second trick. That's it. I will tell you 2 second trick for this question. देखो पुष्पा त्रिपाठी ने सही आंसर दिया है, सम्यम ने ठीक दिया है, डॉक्टर कृष्ण ने सही दिया है, नमन ने सही दिया है, एंड वी हैव स्मृति. यस, और चैट बॉक्स सुपरसोनिक स्पीड से चलता हुआ, मैं पढ़ भी नहीं पा रही बच्चों के नाम. यस श्रेया, देन वी हैव जौहर. जौहर ने सही आंसर दिया है. यस समीना ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही. क्या बात है गाइस, क्या बात है. चलो और देखते इधर. जस्ट 2 second ट्रिक एंड क्वेश्चन खल्लास. वायलेट फ्लावर पी प्लांट. वायलेट कब आता है? वायलेट कब आता है? जब हेट्रोजाइगस फॉर्म में होता है, राइट? तो वायलेट है तो इट शुड बी ए और ए. ठीक है, बिल्कुल. और वाइट क्या होता है? ये तो रिसेसिव है, कंप्लीट रिसेसिव. तो ये क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल ए. ठीक है, अब इसका हम क्रॉस भी बना लेते हैं आगे का. ए ए ए और ए. अब देखो 50% ऑफस्प्रिंग विद रिसेसिव कैरेक्टर, 50% हो गया रिसेसिव कैरेक्टर, एंड 50% विद डोमिनेंट कैरेक्टर. आ गया 50-50 क्वेश्चन खल्लास. तो आंसर है ए, आंसर है ए. हो गया क्वेश्चन खल्लास. हमने इसको वेरीफाई तक कर लिया यूजिंग अक्रॉस. यस, हमने इसे वेरीफाई तक कर लिया यूजिंग अक्रॉस. क्वेश्चन खल्लास, 4 नंबर नीट में मेरे हो चुके हैं कंप्लीटली. दीज 4 मार्क्स आर माइन. ये बोलो अंदर. यस, आज सब पहले चैट बॉक्स में ये लिखेंगे कि जेनेटिक्स हलवा है. लिखो चैट बॉक्स में, क्योंकि तुम्हारा जो ये माइंड सेट है ना, देखो आधी जंग तुम दिमाग से खेलते हो. यस, लिखो जेनेटिक्स हलवा है. जब ये मान लोगे ना तो तुम सच में हलवा ही समझोगे उसे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग चलने लगेगा. जेनेटिक्स हलवा है, बिल्कुल. पानी पी लूं? आज देखो मैं बिल्कुल भी अपनी बॉटल को फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूं, क्योंकि आज मैं प्लास्टिक बॉटल नहीं लाई हूं. मैंने बहुत सुना है तुम लोगों से. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा यार, तुम लोग का इम्प्रूवमेंट मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ. पहले क्वेश्चन में सब डर रहे थे, अभी सब आंसर दे रहे हैं. तो आज के सेशन में आई कैन सी हियर टू हियर. यस, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. आंसर ये आएंगे, बिल्कुल. ओके, नाउ दिस इज अ पेडिग्री एनालिसिस. जस्ट फोकस ऑन द पेडिग्री एनालिसिस एंड गिव मी योर आंसर. Both the parents are homozygous for the trait. The trait under study could be phenylketonuria. It shows inheritance of color blindness. It shows crisscross inheritance. बेटा ये दमदार सवाल है, ये दमदार सवाल है, trust me. Pedigree analysis, पहले भी मैंने सिखाया था. सबसे पहले skipping of generation देखो, सबसे पहले skipping of generation. अगर skipping of generation है तो recessive. अब रिसेसिव के बाद ये देखो कि पैटर्न है या नहीं है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है या नहीं है. तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास होगा 2 सेकंड के अंदर. अगर तुमने ये 2 बातें मेरी सुन ली ढंग से तो तुम्हारा आंसर अभी यहीं पे ही है. हलवा सवाल, बिल्कुल.
आई विल कॉल दिस क्वेश्चन अ हलवा क्वेश्चन एंड द आंसर गिवन बाय आशीष त्रिपाठी इज ऑल्सो राइट. एब्सोल्यूटली करेक्ट. प्राउड ऑफ यू. बिल्कुल मुकेश बी होगा. मुकेश तेरी इंप्रूवमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चैट बॉक्स में आज. सच में मुकेश तेरे पे मुझे प्राउड हो रहा है आज, क्योंकि आज मुकेश ने बहुत सारे आंसर ठीक दिए हैं. यस एवरीवन इज करेक्ट. देखो चलो आ जाओ कैसे सॉल्व करना है. पेडिग्री एनालिसिस. जिन बच्चों ने गलत दिया है जवाब उनको मैं बता दूं, बेटा जब भी पेडिग्री एनालिसिस आए तो इन आंखों को खोलो और देखो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है या नहीं. सबसे पहले स्किपिंग ऑफ जनरेशन. चलो आओ चेक करते हैं. ये ट्रिक बता रही हूं स्किपिंग ऑफ जनरेशन. हाँ स्किपिंग है. यहां पे नहीं है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है स्किपिंग ऑफ जनरेशन है. अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है मतलब कि रिसेसिव, तो मेरा जवाब आ गया. रिसेसिव मेरा जवाब आ गया. अब ये रिसेसिव या तो ऑटोजोमल हो सकता है या एक्स लिंक्ड हो सकता है. अगर ऑटोजोमल है तो देखो यहां पे सन भी अफेक्टेड है, डॉटर भी अफेक्टेड है. कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है. अगर फादर से डॉटर होता या मदर से सन होता तब एक्स लिंक्ड में कहती, तो आंसर हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव. और ऑटोसोमल रिसेसिव होता है फिनाइल कीटोनूरिया, होता है फिनाइल कीटोनूरिया. अब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, यही एक्स लिंक्ड वाली. ये देखो मदर फादर टू डॉटर, मदर टू सन, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ठीक है समझ में आया, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो हाँ मैम मेरे को समझ भी आया और मैंने क्वेश्चन भी निकाला. एवरीवन सोनम चौधरी यस, अल्फा निष्ठा यस, प्रिया सिंगर मैं पक्का टेलीग्राम पे रिप्लाई करती हूँ, प्लीज मैसेज मी अगेन. कभी कभी मैसेजेस टेलीग्राम पे नीचे चले जाते हैं. यस सबको समझ में आया. जानवी सबसे पहले जब भी पेडिग्री आता है बेटा पहले स्किपिंग ऑफ जनरेशन दे. अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो एक बात तो साफ है कि वो रिसेसिव है. उसके बाद अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो वो एक्स लिंक्ड है. अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है तो वो ऑटोसोमल है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. और भाई हाउ इज द जोश, एवा बता दो हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश बता दो यार एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. चिकन डिनर, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, हाउ इज द जोश. हाय चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फोड़ेंगे अब. चलो ये तो आंसर आ गया, कलर ब्लाइंड लिख लो एक्स लिंक रिसेसिव होता है. नेक्स्ट पेडिग्री देखो और अपना आंसर बताओ जल्दी से. वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन चेक करो फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चेक करो और आंसर दो मुझे फटाफट से. ओनली 5 seconds आई एम गिविंग यू टूडे, ओनली 5 seconds, ओनली 5 seconds एंड आई वॉन्ट द आंसर एंड दैट टू करेक्ट आंसर, वरना आज पिटाई हो जाएगी सबकी. यस क्या आंसर आ रहा है भाई चैट बॉक्स में, डी दिख रहा है. सही में डी आंसर है, सही में, सही में भाई. देखो जब जनता कह ही रही है तो डी, तो भाई फिर उसके बाद तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी मैम भी दिल्ली वाली है तो डी फॉर दिल्ली. और मेरे स्टूडेंट्स है रॉकिंग और इस बार उन्होंने इस सवाल को मसल दिया. क्या बात है यार, क्या मसला है तुमने सवाल को यार, बिल्कुल शानदार. मतलब कि अब खुशी हो रही है सही में, अब मैं बहुत हैप्पी हूँ. आज के सेशन के बाद मैं पार्टी करने जाऊंगी सच में. स्किपिंग ऑफ जनरेशन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटर भी अफेक्टेड है सन भी अफेक्टेड है. अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो सबसे पहले रिसेसिव, इन दोनों को तो उठा के बाहर फेंको तुरंत से. फेंका 50-50 पे आ गए. अब 50-50 में से या तो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, तो यहाँ पे सन और डॉटर एक ही जनरेशन में अफेक्टेड है ऑटोसोमल. क्या फोड़ा यार तुमने सवाल. इसी के साथ क्या नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस करना चाहते हो आप, क्या आप नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? भाई जोश होना चाहिए ऐसे, यस मैम यस मैम, क्योंकि देख रहे हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं आप, क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हो यार तुम लोग. चिकन डिनर चिकन डिनर चिकन डिनर, आज पूरे स्क्वाड को खिलाना पड़ेगा चिकन डिनर है ना. चलो रिसेसिव एंड ऑटोसोमल शानदार. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बिलो पेडिग्री कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन. सबसे पहले तो उसमें ये पता लगाओ कि वो एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है या ऑटोसोमल है. फिर इन चार ऑप्शंस को देखना. पहले ये पता लगाओ ये है क्या चीज, उसके बाद इन चार ऑप्शन को देखोगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे अगर पहले ऑप्शन देखो फिर पेडिग्री देखा तो. फटाफट से, यस कम ऑन गाइस, स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, यानी डोमिनेंट उठा के फेंको दो ऑप्शन बाहर. अभी देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, नहीं है. सबसे पहले मुझे बताओ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, लिखो चैट बॉक्स में. काजल ने तो लिख भी दिया आंसर, क्या बात है काजल, सुपर ऑसम काजल, सुपर ऑसम. सबसे पहले तो मुझे बस ये बताओ, ये मत देखो, डोंट सी दिस, इसको मत देखो, नहीं देखो, नहीं देखो. अभी सिर्फ मुझे ये बताओ ये जो पेडिग्री है किस चीज का है, ये किस चीज का है. फटाफट से कैप्स लॉक में लिख दो, मत देखो ये सब, मैं नहीं चाहती कि तुम ऑप्शंस देखो. अभी तुम इसके बेसिस पे मुझे बताओ, क्या बात है यार, तुमने यार ये वाला भी धो दिया यार. आई एम सो सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स कि तीसरा पेडिग्री है जो बच्चों ने फिर मसल दिया, अपने बलबूते पे मसला है, मैम ने कोई हिंट नहीं दिया. वाओ, अब आते इधर. अब देखो इसमें क्या करना है, हीमोफीलिया रिसेसिव या डोमिनेंट, हटाओ इसको. ये क्या होता है, मोनोसोमी होती है, हटाओ इसको. मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड हाइपरट्राइकोसिस, ये एक्स लिंक्ड होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो आंसर क्या बना, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहते हैं, इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी कहते हैं, जो आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दिया हुआ है डिसऑर्डर में, जो आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है लोकोमोशन में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. आया यार, ये दिमाग का बल्ब चमका, चमका बल्ब, लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिसऑर्डर, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है. हाइपरट्राइकोसिस इज एक्स लिंक डोमिनेंट, चमका. Yes, देख रहे हो बायो के क्वेश्चन कैसे इंटरमिक्स किए गए हैं. यहाँ पे हमने देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को. पहले तो मैंने पेडिग्री निकालना सीखा, दूसरा मुझे इन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का भी पता होना चाहिए. दो टॉपिक मैंने उठाए, दोनों को एक साथ किया और तुम्हें बना के दिया एक शानदार सवाल, ठीक है. तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं हमको, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, जहां पे पहले मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, पहले मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा, 5 सेकंड में से सॉल्व करूंगा, फिर इसके बाद यहां आऊंगा. क्योंकि अगर मैंने इसी में गलती कर दी तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता. फर्स्ट फोकस हियर देन फोकस हियर, ये गलत तो ये तो वैसे ही गलत, ठीक है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा. ऐसे ही नीट भी करता है, दो चैप्टर को उठा के क्वेश्चन को मिक्स कर देता है, ठीक है, तुम्हें फंसाने के लिए. बट तुम नहीं फंसोगे क्योंकि तुम तो प्रैक्टिस कर चुके जी स्क्वायर के सेशन में, राइट. बेटा ये एक्सलिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो ये वाली जनरेशन है इसमें डॉटर और सन दोनों अफेक्टेड है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहां नहीं है इसीलिए, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस चार्मी. उससे पहले हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, लाइक बटन हिट करके जाओ यार, ऐसे नहीं. ओके, ये पूरा सोल्यूशन है इसका जो मैंने यहां पे लिख के दिया, बट मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेटा इतना बड़ा सवाल है, बट इतना तुच्छा सवाल है यार, ये बिल्कुल हलवा सवाल है. 2 सेकंड में इसे मैं सॉल्व कर सकती हूं अगर तुमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया. अगर यहां 150 होता तो यहां पे उसका 150 × 3 कितना होता, 450. आप देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 1:3 रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और क्वेश्चन खत्म, और क्वेश्चन खत्म. यस, बहुत ही हलवा सवाल यार. देखो, अ पी प्लांट विथ पर्पल फ्लावर्स वाज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग 50 प्लांट्स विद ओनली पर्पल फ्लावर्स. ये तो F1 जनरेशन हो गई, ठीक है. F1 जनरेशन में सारे फर्स्ट जनरेशन में F1 में क्या आए हैं, नहीं 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 आते का, नो नो मनप्री, नो, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग. देखो अब यहां पे तुम गड़बड़ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तुम. देखो पर्पल फ्लावर्स हैं प्लस व्हाइट फ्लावर्स हैं, व्हाइट फ्लावर का तो मतलब हो गया होमोजाइगस रिसेसिव.
आप देखो ये दो चीजें हो सकती है, या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। बट जो फर्स्ट जनरेशन आई है उसमें सारे पर्पल फ्लावर्स हैं, इससे पता लगता है कि ये वाला होगा, इससे पता लगता है ये वाला होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, पेरेंट आपके हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, और ये है स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है। अब जब एफ वन जनरेशन आई तो 50 पर्पल फ्लावर थे, यानी सबके सब हेट्रोजाइगस थे, ठीक है। अब इसका सेल्फ आपने कराया तो 3:1 रेशियो में आया, ये हो गया 3 पर्पल फ्लावर, 482 पर्पल फ्लावर, 162 व्हाइट फ्लावर्स। सो दिस इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज अ टिपिकल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टिपिकल मोनो हाइब्रिड क्रॉस विच एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। देखो आनंद पांडे बेटा, तू यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल ये नहीं होता है। तुम लोग क्वेश्चन की भावना समझो बेटा, पूरा बनाओ ना इसको। अब देखो इसके साथ सेल्फ कराओगे आप, क्या आएगा आपका ए ए ए ए, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीज वर सिंपल क्वेश्चंस व्हिच आई गॉट यू टू टेल यू कि ऐसे में अगर वो पूरा पूछ ले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रहा है, कौन सा लॉ बता रहा है, सो यू आर एबल टू टेल द आंसर, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ओके। पॉलीजीन्स, एज आई प्रोमिस्ड, व्हाट आर पॉलीजीन्स, पॉलीजीन्स क्या होते हैं लिखो चैट बॉक्स में, क्या समझते हो पॉलीजीन से। स्किन कलर, यस ओके, बताओ जल्दी से पॉलीजीन्स, फटाफट से स्किन कलर। एवरीवन देखो होता क्या है पॉलीजीन्स, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देती हूं। पॉलीजीन्स जो आपका स्किन कलर है, जो बेटा आपका स्किन कलर है, प्लीज ध्यान से सुनना और अपनी नोटबुक्स में लिखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, मेरे को मन लगा के पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। देखो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 सेट ऑफ जीन्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 सेट ऑफ जीन्स, ए बी एंड सी, ठीक है। जबकि हम कहते हैं कि वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, बट ऐसा नहीं है। जब एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब अगर ये डोमिनेंट होगा तो उतना ज्यादा मेलेनिन बनेगा, ठीक है। तो अब जरा ये लिखते हैं ए ए बी बी सी एंड सी, ये तीनों जो जीन है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हो गए 6, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हो गए 6, कितने हो गए 6 डोमिनेंट एलील्स। तो इस केस में मैक्सिमम मेलेनिन बनेगा, क्या बनेगा मैक्सिमम मेलेनिन, और ऐसे लोगों को नीग्रोज या ब्लैक कहते हैं, नीग्रोज या ब्लैक कहते हैं, राइट गाइस, समझ में आया। अब मान लो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है, कितने डोमिनेंट एलील्स है इसके पास, राइट इन द चैट बॉक्स, कितने डोमिनेंट एलील्स है इसके पास, राइट इन द चैट बॉक्स। इस कॉम्बिनेशन के पास कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, चार्मी ने सही आंसर दिया है, काजल ने सही आंसर दिया, एवरीवन इज गिविंग मी द राइट आंसर। इसके पास 3 डोमिनेंट एलील्स हैं, तो जो मेलेनिन सिंथेसिस होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट मॉडरेट मेलेनिन सिक्रीशन, और जब मॉडरेट मेलेनिन सिक्रीशन होता है तो उनको कहते हैं इंटरमीडिएट स्किन कलर या सांवला, या सांवला, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट केस के पास, ए ए बी बी सी सी, इसके पास कितने डोमिनेंट एलील्स है, इसके पास कितने डोमिनेंट एलील्स है, आहा मुलाट्टो, यस, कितने डोमिनेंट एलील्स है, 0, no melanin synthesis, no melanin, such people are called as albinos या albinos, right? समझ में आया? So on the basis of presence of dominant allele, it determines that how is your skin color,
ठीक है, अगर जैसे कि 6 5 4 3 2 1 0, ये तो हो गया नीग्रो और ये हो गया आपका एल्बाइनो, ये हो गए आपके इंटरमीडिएट, ये हो गए आपके इंटरमीडिएट्स, राइट। अब यहां से ऐसे मूव करो, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया डार्क, तो ये हो गया वेरी डार्क, ये हो गया फेयर, तो ये हो गया वेरी फेयर, बन गया आपका, देखो की पूरा बन गया आपका, बिल्कुल की बन गया। 64 टाइप ऑफ गैमीट्स आएंगे, तो ये क्या होगा 1:2, 6:2, 15:20, 15:6, 1। भाई पूरा मैंने इस टेबल में लिख दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पूरा का पूरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो ग्राफ आएगा वो बेल शेप्ड आएगा, देखो इस तरीके से स्किन कलर का। ये हो गए इंटरमीडिएट 20, ये हो गए डार्क, ये हो गए वेरी डार्क, ये हो गए नीग्रो, ये हो गए फेयर, ये हो गए वेरी फेयर, और ये हो गए आपके एल्बाइनो, बेल शेप्ड ग्राफ। पूरा का पूरा टॉपिक खल्लास, पूरा का पूरा टॉपिक खल्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो इसका, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। मजा आ गया चार्मी, मजा आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, तुम लोग को मजा ही आना चाहिए।